Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. और बस आज है फ्राइडे और हम सुबह उठ चुके हैं और हम जल्दी जल्दी से करते हैं नाश्ता और उसके बाद हम जाएंगे कहीं पे. तो आज फ्राइडे की नमाज भी है, नाश्ता करते हैं, तैयारी करते हैं नमाज की, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं. इसका तो म्यूज़िक कभी बंद ही नहीं होता ना. चले मैं नाश्ता करती हूँ, इसको देखती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ. अच्छा इसको कुछ बोलना है, क्या बोलना है? आवाज़ बंद करूँ? अच्छा मैं आवाज़ बंद कर. मैंने अपने कपड़े रात को ही रेडी कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि फ्राइडे है और फिर सुबह जितना अब जल्दी उठ जाओ, लेकिन बच्चे के साथ देर होती ही होती है. तो बस हम मुझे कपड़े रेडी करने लगी हूँ और मुझे को चार दिलाते हैं फिर रेडी होते हैं. तो यस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मूसा रेडी हो चुका है, मूसा भी देख रहा है कार्टून. और मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं है मैं जा कर रूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने ताए की तरफ, बड़े पापा बड़ी मामा की तरफ. यस ये सीन है और काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं जा सकती उनकी तरफ. ऐसा नहीं है मैं उनसे मिली नहीं हूँ, वो लोग आए थे. राफिया आई थी एक दिन, उसका जब कभी ब्रेक था, उसके एग्ज़ाम्स हुए थे, फिर उसका सेमेस्टर ऑफ हुआ था, तो उसकी छुट्टियाँ थी, तो वो आई थी एक दिन और बस. लेकिन मैं अब तक नहीं गई थी. तो फिर आज और दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे जाना है, मेरा पूरा प्लान हुआ है कि मैं जाऊंगी और बस मैंने उनको बोला नहीं था. शुक्र मैंने उनको नहीं बोला, कभी कोई आ गया तो मेरा जाना रह गया और कभी यूसुफ साहब देर से आ रहे थे उनके इंतजार में बैठी हुई हूँ, तो मैं इसलिए नहीं आता कि दो दफ़ा ऐसा हुआ है. तो आज अभी फिर आज भी अभी तक यूसुफ नहीं आया, लेकिन पापा को मैंने बोला था कि भाई अब ये आए या ना आए मैं नहीं रुकूँगी, मैं जाऊँगी. तो ये सीन है, काफ़ी टाइम हो गया है और जब आज मुझे ले लेंगे ऑफिस के बाद जब फ्री होंगे वो, तो ये सीन है. आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे और बस 3:45 हो रहे हैं और 4 o'clock का मुझे टाइम दिया था बढ़ापा नहीं, मुझे पैक कर लेंगे क्योंकि उसका मेरा जिम होता है. तो लेट्स सी, बस हम दोनों ही रेडी हैं. मूसा को बस सैंडल्स बनानी है, मैं भी रेडी हूँ, उसका बैग भी रेडी है. मूसा आर यू रेडी टू गो? टॉक टू मी बेबी, आंसर मी, जवाब नहीं देना. कार्टून में इतना बिजी हो चुके हो, बस छोड़ो कार्टून की जान. कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ कहाँ जा रहे हैं आप बताएं, कहाँ जा रहे हैं, किस घर जा रहे हैं? अच्छा देखो बड़े पापा आ गए. कहाँ है मैम, कहाँ है मैम? मजा आ रहा है? क्या कर रहे थे, खेल रहे थे? काओ कहाँ है? ऊपर सो रही है, काम दिख भी नहीं रही. राफिया की क्लास चल रही है, राफिया बिजी हुई हुई अपनी क्लास लेने में, है ना भाई? कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर. क्यों जा रहे हैं आप? ओके चलो लेट्स गो. जाएगा कब? अभी. मुझे हम कहाँ जा रहे हैं? बड़े पापा के घर से आने के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला था शूट करने का. कल सैटरडे, कल बहुत ज़्यादा बिजी डे था, बहुत ज़्यादा, कल बिल्कुल शूट करने का टाइम नहीं मिला. और आज भी लेजी डे था, फिर अचानक से प्लान हुआ जाने का, फिर अब तो मतलब वहाँ जाए. क्या हुआ, कम है मूसा? इधर आओ खेल लो. लेकिन अभी आपको मिकी के पास नहीं जाना, मिकी के पास नहीं जाना. गाड़ी तो चलाएगा नहीं, उसको भागना है. बस फिर ये सीन था, हम बैठे हुए थे और मूसा के सामने बस गलती से जवाब ने बोल दिया कि अली लोग पूछ रहे हैं पी एफ चिल्ड्रन. तो मूसा ने अब ये सुना, अली का नाम सुना, समझ गया मिकी और जाबी भी होंगे वहाँ पे. बस तो मुझे पागल हो गया, मैं बोल रही थी आज जाते मेरे बहुत दर्द है नैक में लिए वो, लेकिन नहीं मूसा ने तो फिर नहीं सुनना ही था. मिकी के घर चलो, उनको चलो मिकी के पास चलो, मिकी के पास चलो, मैं बोल रहा हूँ. फिर उसने इतना तंग किया, फिर खैर हम रुक गए. और फिर आप लोग सोच रहे हैं मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं इसलिए लिया क्योंकि अंधेरा बहुत था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था. और उसके बाद सीन ये था कि आज जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ इसको सब उस पर नज़र रखनी थी हर वक्त. उसके बाद ना मूसा गुम हो गया, हम वहाँ गए, अंधेरा था, हम रात नहीं पहुँचे थे. सडन प्लान्स तो ऐसे ही होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो हम शाम में निकले थे, देर हो गई थी, रात में पहुँचे थे और मूसा गुम हो गया उधर. और फिर शायद बहुत देर में, थोड़ी देर में मिल ही गया था.
वो चक्कर आते थे। आप गुम हो गए थे आज पार्क में, दूर चले गए थे माँ बाबा से। हम परेशान हो गए थे ना, आप पास रहते ना। बस फिर शहर की नज़र पड़ी मूसा ने, उसने बोला मूसा खाए और मिकी के साथ भी था। फिर हम लोग ने गुंडा खाए, मिल गया था थोड़ी देर में। फिर हम वहाँ से निकल गए, फिर हमने खाना खाया और बस फिर हम घर। तो ये था, बस इस व्लॉग को एंड करते हैं अब, क्योंकि ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर। अभी भी मेरा ये, मैंने इस हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, बहुत दर्द कर रहा है। तो बस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।